बोलते हैं कि जनेऊ धारी हिंदू हैं, सनातनी हैं हम भी। वो देखिए, ये तो देखिए कांग्रेस इसी वजह से अपनी जो है सो वो नहीं आ पा रही है, और बीजेपी वन मैन आर्मी बनी हुई है, क्योंकि इनके पास कोई लोग तो, इनके पास पता ही नहीं कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे हमें जुड़ना चाहिए, कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए। तो ये इनकी इस तरह के स्टैंड लेते हैं तभी आज गर्त में जा रहे हैं, समझ रहे हैं, और तभी तीसरे चौथे विकल्प आ रहे हैं। अभी मामला लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सबकी आस्थाएं हैं, हिंदू लोगों की भावनाएं हैं, तो नहीं जाने का मतलब आपने मतलब एक तरफ से आपने ये किया कि आपने सिर्फ राम का विरोध किया, क्योंकि पूजा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक गांव में सभी लोग मैक्सिमम लोग गांव से विरोध करते हैं, गांव में ना आपसी लोगों के झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़े होते रहते हैं तो वो दोनों का मत एक नहीं होता। लेकिन जब वो किसी को निमंत्रण से भेजता है ना कि मेरे यहाँ कथा पूजा है सत्यनारायण भगवान की, तो कहेगा जाना चाहिए। कुल देवता का पूजा होता है तब, कुलदेव को छोड़ो आप, वो सत्यनारायण की पूजा करता है तो लोग कहते हैं पूजा है, वो आया था तुम भी जाओ। तो नहीं आपकी भावना है, लेकिन एक उसके लिए कटसी के लिए आपको जाना चाहिए, जिससे ये होता है कि हिंदू भावनाओं का सम्मान और आदर हो जाएगा और श्री राम के प्रति आपकी वो चीज़ें दिखेगी। दूसरी बात देखिए, हिंदू धर्म का जो भावना राम मंदिर से जुड़ा है पूरे देश की, ऐसा नहीं महाराष्ट्र गुजरात जहाँ, ये है यूपी में, ये बहुत बड़ी चीज़ है, और बहुत संतों ने इसके पीछे अपने जान गंवाए हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं, और जो जो लोग बायकॉट में थे देखिए उन सबको लोगों ने किनारे कर दिया। तो ये क्या बोलता हूँ, अगर किसी को कोई सम्मान नहीं देता है तो आप उसको उससे ज़्यादा सम्मान दो ना। आपको हिंदुओं का अगर वोट लेना है बीजेपी से ज़्यादा धर्म का सम्मान करो, कल अपने आप हिंदू आपके यार कन्वर्टर हो जाए। पर धर्म के मामले में मोदी जी की पार्टी या बीजेपी धर्म का सम्मान करती है और उस मामले में लोगों को सपोर्ट करती है, तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। मंदिर और लोकसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में हाँ बीजेपी को इसमें थोड़ा सा मतलब जो है उनकी तरफ लहर ज़्यादा जाएगी, तो लोगों को ये लगेगा कि जो बीजेपी ने बोला था अब चुनाव से पहले वो एटलीस्ट उन्होंने पूरा कर दिया है। तो जो साधु संत जो है जो अयोध्या में और जो भगवान राम को जो फॉलो करते हैं वो एटलीस्ट बीजेपी की तरफ ही ज़्यादा झुकाव करेंगे। मेरा नाम रणधीर कुमार है, मैं छपरा बिहार से हूँ। छपरा बिहार से कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा है सर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए, नहीं शामिल हो रहे, गलत है, क्योंकि इसको धर्म को राजनीति को एक साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब ये अलग चीज़ है कि अब राम मंदिर बन रहा है तो बीजेपी का सरकार है, वो तो जो सरकार होती है वही वहाँ की व्यवस्था देखती है। ये नहीं जाते कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव को भेजते थे, क्योंकि उसमें राजनीति के साथ साथ धर्म का भी मामला लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, सबकी आस्थाएं हैं, हिंदू लोगों की भावनाएं हैं। तो नहीं जाने का मतलब आपने मतलब एक तरफ से आपने ये किया कि आपने सिर्फ राम का विरोध किया, क्योंकि पूजा है। देखिए नॉर्मली क्या होता है, एक गाँव में सभी लोग मैक्सिमम लोग गाँव से विरोध करते, गाँव में ना आपसी लोगों के झगड़े होते रहते हैं, तो झगड़े होते रहते हैं तो वो दोनों का मत एक नहीं होता। लेकिन जब वो किसी को निमंत्रण से भेजता है ना कि मेरे यहाँ कथा पूजा है सत्यनारायण भगवान की, तो कहेगा जाना चाहिए। कुल देवता का पूजा होता है तब, कुलदेव को छोड़ो आप, वो सत्यनारायण की पूजा करता है तो लोग कहते हैं पूजा है, वो आया था तुम भी जाओ। तो नहीं आपकी भावना है, लेकिन एक उसके लिए कटसी के लिए आपको जाना चाहिए, जिससे ये होता है कि हिंदू भावनाओं का सम्मान और आदर हो जाएगा और श्री राम के प्रति आपकी वो चीजें दिखेगी। तो बोलते हैं कि जनेऊ धारी हिंदू हैं, सनातनी हैं हम भी। वो देखिए, ये तो देखिए कांग्रेस इसी वजह से अपनी जो है सो वो नहीं आ पा रही है, और बीजेपी वन मैन आर्मी बनी हुई है, क्योंकि इनके पास कोई लोग तो, इनके पास पता ही नहीं कि लोगों की भावनाओं के साथ कैसे हमें जुड़ना चाहिए, कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए। तो ये इनकी इस तरह के स्टैंड लेते हैं तभी आज गर्त में जा रहे हैं, समझ रहे, और तभी तीसरे चौथे विकल्प आ रहे हैं। तो सीधे से राम जन्मभूमि का अपमान की नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आप कहते कि ठीक है जी मैं किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजूंगा, या कोई बहाना को नहीं जाने का भी बहाना था, कहते जी हमारे को स्पेशल मीटिंग है तो मेरा बंदा जाएगा। लेटर जारी करके मना, अब देखिए गुजरात का जो कांग्रेस का अध्यक्ष है उसने खुद कहा है कि आपने जो किया ये गलत किया है। क्यों? क्योंकि वो भले मोदी के या योगी के, वो तो कर तो रहे भी सिंधु परिषद, मोदी योगी तो उसके करता सर सब। देखिए सीएम इसलिए है और पीएम इसलिए नहीं, तो वो भी नहीं होते, समझना चाहिए इस बात। मेरी बात सुनिए ना, अगर बाय द वे कहीं पे कोई यज्ञ हो रहा है तो कोई वहाँ का विधायक है वो वहाँ उसमें सबसे ज्यादा चंदा दे रहा होता है, तो जो विपक्षी विधायक है वो जाता है कि नहीं जाता? वो कहे नहीं, इसने चंदा दिया है इसकी वजह से हो रहा है ये मुख्य होता क्या है। ये धर्म को राजनीति से जोड़ने वाले लोग, पार्टी पॉलिटिक्स वाले लोग ही ये सब ज्यादा करते हैं। और मेरे हिसाब से आप अगर भगवान राम को मानते हैं, हिंदू धर्म को अगर आप सम्मान करते हो, तो आपको उस निमंत्रण को स्वीकार करना चाहिए था, क्योंकि वो धर्म पहला मामला धर्म का था ना। अब आपकी सरकार होती यूपी में तो आप ही उसका कराते ना इनॉग्रेशन, सुरक्षा पूरा जिम्मा उन्हीं का होता, सभी का होता। तो सरकार अब वो तो उसको रहना ही है, क्योंकि इतने बड़ा कार्यक्रम है, सरकार कैसे उसे बायकॉट हो सकता है? तो ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। और सबसे बड़ी बात देखिए, हिंदू धर्म का जो भावना राम मंदिर से जुड़ा है पूरे देश की, ऐसा नहीं महाराष्ट्र गुजरात जहाँ, ये है यूपी में,
ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत संतों ने इसके पीछे अपने जान गंवाए हैं और ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जो जो लोग बायकाट में थे, देखिए उन सबको लोगों ने किनारे कर दिया। तो ये क्या बोलता हूँ, अगर किसी को कोई सम्मान नहीं देता है तो आप उसको उससे ज़्यादा सम्मान दो ना। आपको हिंदुओं का अगर वोट लेना है, बीजेपी से ज़्यादा धर्म का सम्मान करो, कल अपने आप हिंदू आपके यार कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि बहुत सारे हिंदू हैं जो बीजेपी से खपा है लेकिन उनको कोई विकल्प भी नहीं मिल रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ यार, ये तो अरे बीजेपी ज़्यादा शिवसेना वाले थे कट्टर, बीजेपी नंबर वन कांग्रेस। बिल्कुल सही है। तो ये क्या करते हैं, जब समय आता है तो अपना असली चेहरा दिखाते हैं, बाद में ये ड्रामे। अब राहुल गांधी को क्या समझ में आता, पता है ये क्या होता है, ये लोग देश को आज से 20 साल 30 साल 50 साल पहले के नजरिए से, इनको लगता है कि लोग मूर्ख हैं, हम प्रोपेगंडा करके लोगों का विश्वास। इसका असर चुनाव पर होगा, लोग 6 महीने 2-4 महीने में चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, कम ज्यादा जरूर होगा, सभी चीज का असर होता है। क्योंकि देखिए ये धर्म निरपेक्ष, तो हिंदू थोड़ा सा आहत हो इस बार। भारत जो है वो मैक्सिमम हिंदू मेजोरिटी का देश है और हिंदुत्व को लोग मानने वाले यहाँ ज्यादा है। और देखिए बीजेपी के आने का कारण यही था, बीजेपी किस एजेंडा पे आएगा, उसने उसकी वोट बैंक था, उसको उस तरह से लगा लोगों को। और जिस तरह से कांग्रेस ने धीरे 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 जहां तहां हिंदू धर्म के खिलाफ काम करना, बात करना और चीज़ों को करना शुरू किया था, तो लोगों को लगा ये तो हम एक दिन खत्म होने वाले हैं। तो फिर लोगों ने मोदी जी को सपोर्ट किया और प्रचंड बहुमत से 2014 में लाए। और फिर वो लाने के बाद जब उनके इच्छाओं पे धर्म के अनुरूप, देखिए काम तो कम ज़्यादा हो रहा है वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, अगर उसमें हम जाएंगे तो अलग डिस्कशन है, पर धर्म के मामले में मोदी जी की पार्टी या बीजेपी धर्म का सम्मान करती है और उस मामले में लोगों को सपोर्ट करती है, तो लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। एक बार पूछता हूँ सर, मंदिर बनना और चुनाव होना क्या मोदी जी के लिए बोनस साबित होगा? देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये नकारा नहीं जा सकता कि इसमें राजनीति नहीं है, ये बिल्कुल नहीं नकारा। मैं कोई पार्टी का मेंबर नहीं हूँ, अदरवाइज नकारा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी सी बात, नकारा इसलिए नहीं होगा कि घोषणा पत्र में शामिल था कि राम मंदिर बनाएंगे तो वोट दीजिएगा हमको, नहीं। और दूसरी बात सुनिए, अगर आपको मंदिर का विधिवत उद्घाटन करना था तो आप उसको पूरा हो जाने पे करते, अभी वो आधा अधूरा बना हुआ है, फर्स्ट फेज काम शुरू हुआ, अभी 3 फेज और शुरू है, पहली बात। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूँ राजनीति क्यों है इसमें, कि कोर्ट के पास ये रोज जाते थे जब मामला नहीं सुलझाता, तो कोर्ट कहता था कि यार आप कानून बनाने वाले, कल संसद में खड़ा होकर कानून बना लो, परसों मंदिर बना लो, हमारी कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगी, हमारे पास आओगे तो हम तो अपने तरीके से चलेंगे ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी से भी, अगर राजनीति मुद्दा नहीं है तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था बीच में, सुप्रीम कोर्ट ने STSC एक्ट को हटा दिया था, क्योंकि वो कहा था हटाया नहीं था, उसमें अमेंडमेंट किया था, कहा था इंस्पेक्टर लेवल का बंदा कोई इसमें जांच करेगा, तो उसमें क्या हुआ, तो दलितों ने उसका विरोध किया, हमारा उसी समय यहीं पे ऑफिस था, हम यहाँ पे, तो पूरा ये क्लोज था, सॉरी सर। तो ऑर्डिनेंस ला के मोदी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के उसको पलटा, तो STSC के उसमें जो आपके मैनिफेस्टो में नहीं है उसको ऑर्डिनेंस ला के आप कर सकते हैं। तो राम मंदिर का मामला इतना लंबा क्यों चला, जब आप आए 2004 में बीजेपी में आई थी, अटल जी आए थे उस समय भी ला सकते थे ऑर्डिनेंस, या बाद में आए तो 2014 में 15 में कर लेते। तो कहीं ना कहीं फिर गोगोई जी को मुख्य न्यायाधीश के बाद के रोज सुनवाई करा के चीजों को करना और आनन फानन में उद्घाटन कराना, ये है। लेकिन इसके तमाम चीजों के बाद अब जो धार्मिक आदमी है उसको तो कहेगा यार मुझे उससे क्या मतलब, मेरे राम आगे मेरे लिए बहुत है। हाँ। किसी ने कराया नंबर वोट देंगे, बिल्कुल देंगे इसका बीजेपी चुनाव, मेरे हिसाब से जो मैंडेट है और जो दिख रहा है माहौल है ये तो क्लियर ही मुझे लग रहा है कि 2014 में फिर 2024 में फिर ये आ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कोई डाउट तो मुझे नहीं लग रहा, जैसा सर्वे और सारी चीजें कर रहे हैं कांग्रेस काम कर रही है, क्योंकि इसका सबसे जो बड़ा कारण है, और हालांकि ये कारण सही नहीं है, लोकतंत्र में हमेशा विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, आज विपक्ष कमजोर है और तभी ये अपना दिन प्रतिदिन जो भी मन है करते हैं, मेरे हिसाब से स्पष्ट है ये जीतेंगे, ऐसा कुछ वो नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मैं राजेश गुप्ता। कहाँ से? मैं दिल्ली आदर्श नगर। दिल्ली आदर्श नगर। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया है, क्या कहना चाहेंगे इस पर सर? आई थिंक इट्स माई पर्सनल व्यू कि इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो काम देखो होना था वो तो हो चुका, मंदिर जो एटलीस्ट बनना था, लाखों लोगों एक मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, जैसे भी भाई साहब ने बोला था कि बीजेपी इसी मैंडेट के आधार पे आई है गवर्नमेंट में, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम एक पूरे जनमानस के वो है, पूरा वर्ल्ड जो उनको फॉलो करता है, पुरुषोत्तम पुरुषों में सबसे उत्तम संस्कृत का शब्द है ना, एक तो इसको एक ऐसे भी नहीं देखना चाहिए, तो ये तो अच्छा काम है, इससे तो एक समाज में एक पॉजिटिविटी जाएगी कि जो है उससे जनमानस एक जुड़ेगा उससे जो है ना, तो आई थिंक इससे वेरी गुड। क्या इससे मुद्दा होगा चुनाव का, मंदिर और लोकसभा चुनाव? लोकसभा चुनाव में हाँ बीजेपी को इसमें थोड़ा सा मतलब जो है
उनकी तरफ लहर ज्यादा जाएगी, तो लोगों को ये लगेगा कि जो बीजेपी ने बोला था अब चुनाव से पहले वो एटलीस्ट उन्होंने पूरा कर दिया है। तो जो साधु संत जो है जो अयोध्या में और जो भगवान राम को जो फॉलो करते हैं वो एटलीस्ट बीजेपी की तरफ ही ज्यादा झुकाव करेंगे। जो है आपको नहीं लगता सर कि बेरोजगारी और महंगाई बढ़ गई है थोड़ा सा? तो देखो है बेरोजगारी तो एटलीस्ट है, क्योंकि हिंदू दुनिया में 202 कंट्रीज है पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड में, उसमें से 37% पॉपुलेशन इंडिया और चाइना में है। तो इंडिया की पॉपुलेशन 142 करोड़ है, तो बेरोजगारी तो एटलीस्ट है, लेकिन उसका भी कुछ समाधान मिल बैठ के निकालना चाहिए। जो है आप क्या बेरोजगारी करते रहेंगे तो वो तो कोई वो नहीं है ना। कहते हैं कि जब से बीजेपी आई तब से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है। हिंदू मुस्लिम तो ये देखो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी मैंटेलिटी है। मेरे हिसाब से तो सोचने का नज़रिया अलग अलग है हर आदमी का। मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू मुझे तो नहीं लग रहा ऐसा। अब जो कहने वाले लोग कहते भी हैं, हर तरह के लोग हैं समाज में, हर सोसाइटी के हर वर्ग के लोग हैं। अब वो ये सोचते हैं कि मंदिर बन गया तो इसमें हिंदू ज़्यादा वो हो जाएगा हमारी, अगर मस्जिद बन जाती तो उसी तरफ वो कहते कि नहीं मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया कि मोदी मस्जिद बनवा दी तो मुसलमान ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, चिट भी और पट भी, तो देखने का नज़रिया अपना अलग अलग होता है। बहुत बढ़िया लगा सर बात करके। आपने सुनी जनता के, बाकी ऐसे ही देश दुनिया से जुड़े खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए द लोकसभा।